मेरा नाम है नौशाद आलम। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इंस्टेंट एजुकेशन पे। आज हम लोग दोस्तों समास पढ़ेंगे। समास हम लोग दोस्तों ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे कि जीवन में कभी समास में गलती नहीं होगा, एकदम समास हलवा रहेगा। दोस्तों आइए पढ़ते हैं। दोस्तों समास, समास इंग्लिश में कंपाउंड्स कहते हैं। समास क्या होता है दोस्तों? समास जो है अष्ट धातु में सम उपसर्ग, समास अष्ट धातु में सम उपसर्ग और घ प्रत्यय के मिलने से समास का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ संक्षेप होता है। मतलब दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इस प्रकार दोस्तों हम लिख सकते हैं समास जो है अष्ट धातु में सम उपसर्ग और घ प्रत्यय के मिलने से समास शब्द का निर्माण हुआ है। दोस्तों हम समास की परिभाषा पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने बोला है कि समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, तो इसका परिभाषा देखते हैं। कहता एक पद भाव समास, जब बहुत सारे पद मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दोस्तों हिंदी में देखें, कहता जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है और एक नया पद बन जाता है, दोस्तों एक नए पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे दोस्तों राजा पुत्र, इसका मतलब हुआ राजा का पुत्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राजपुत्र। इसमें दोस्तों राजपुत्रा में दो पद है, राजा और पुत्र, राजा और पुत्र। इस दोनों में और विभक्ति क्या है दोस्तों? का। इसमें दो पद राजा और पुत्र है तथा इसके बीच की विभक्ति का है, जिसमें इस बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा है कि विभक्ति लोप हो जाता है और एक पद बन जाता है, लोप हो गया और एक पद राजपुत्र बन गया। इस प्रकार दोस्तों हमने समास समझा कि समास क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद मिलकर एक पद बन जाते हैं उसे समास कहते हैं। दोस्तों किसी को उतारना है तो वीडियो को पॉज कर लें, उतार लें। अब हम आगे बढ़ते हैं समास की भेद की ओर। दोस्तों अब हम लोग विग्रह पढ़ते हैं। विग्रह क्या होता है? दोस्तों समास तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों संधि पढ़े होइएगा, संधि में क्या होता था? संधि को तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग संधि विच्छेद कहते थे। उसी प्रकार विग्रह में क्या होता है? समास को जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। जैसे दोस्तों पीताम्बरम, इसको तोड़ेंगे दोस्तों का पीताम अम्बरम यस्य सः। उसी प्रकार दोस्तों पुत्र कन्या को तोड़ेंगे, पुत्रश्च कन्या च। इस प्रकार हमने इसको तोड़ा, तोड़ तोड़ के अलग किया, यही प्रक्रिया दोस्तों मेरा विग्रह कहलाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं समास के भेद की ओर। समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों जैसा कि हमने लिखा है कि पदों की प्रधानता की दृष्टि से समास के मुख्यतः चार भेद हैं। पद की प्रधानता की दृष्टि से जो है समास का मुख्य रूप से चार ही भेद होते हैं, लेकिन दोस्तों तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। ये जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के दो भेद कौन कौन दोस्तों? एक कर्मधारय तथा दूसरा द्विगु है। मतलब दोस्तों समास के चार ही भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखेंगे तो समास के छह भेद हो जाते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? पहला होता है अव्यभाव समास। अव्यभाव समास क्या होता है दोस्तों? इसका प्रथम पद प्रधान होता है। दोस्तों इस पद के बारे में डिटेल से जानेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है। उसके बाद द्वंद्व समास, इसमें दोस्तों क्या होता है? दोनों पद गए तो प्रथम पद भी और अंतिम पद, दोनों पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में, इसमें दोस्तों विशेषण और विशेष मतलब होता है दोस्तों संज्ञा की प्रधानता होती है। इसका मतलब दोस्तों पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा होगा, पहला पद जो का विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? इस समास में संख्या प्रधान होता है, मीन्स दोस्तों पहला शब्द जो होगा वह संख्यावाची होगा, पहला पद जो होगा वह संख्यावाची होगा, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है इस समास के भेद को याद करने का ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक क्या होता है दोस्तों? तो ट्रिक होता है द्वंद्वी अब तक। ट्रिक दोस्तों होता है द्वंद्वी अब तक।
इससे दोस्तों होता है द्विगु समास, इससे द्वंद्व समास, इससे होता है दोस्तों अव्यभाव समास, इससे दोस्तों बहुव्रीहि समास, इससे होता है दोस्तों तत्पुरुष समास, इससे कर्णधारय समास। दोस्तों अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक से याद कर लेंगे। क्या दोस्तों? तो द्वंद्वी अब तक द्वंद्व करने दोस्तों द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्यभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्णधारय समास, है ना दोस्तों मजेदार। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक समास को डिटेल्स में पढ़ते हैं। थ्री आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं अव्यभाव समास। क्या होता है अव्यभाव समास? दोस्तों कहता है पूर्व पद प्रधानो अव्यभाव। पूर्व पद प्रधान मतलब दोस्तों जिस समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद पहले पद की प्रधानता होती है, जिस सामासिक पद में पूर्व पद में पहले पद की प्रधानता हो तो उसे हम लोग अव्यभाव समास कहते हैं। जैसे दोस्तों यथाशक्ति, प्रतिदिन इत्यादि। अब दोस्तों इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन समास अविभाव समास है? तो दोस्तों इसका नियम होता है जिस सामासिक शब्दों का पहला पद निम्नलिखित अव्यय हो, निम्नलिखित में क्या हो दोस्तों? उप हो, अधि हो, दूर हो, नीर हो, अति हो या प्रथा हो, अनु हो, आ हो, ये सब होगा तो दोस्तों उस जो समास बनेगा वो मेरा अविभाव समास बनेगा। जैसे दोस्तों जैसे उपकार, उपकार दोस्तों, उपकार पहला पद उप है दोस्तों, ये हो जाएगा अव्यभाव समास। उसी प्रकार दोस्तों आजीवन, आजीवन दोस्तों पहला पद आ है और हम जानते हैं कि जिसमें पहला पद आ होगा वह होगा अव्यभाव समास। इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा अव्यभाव समास। उसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक, दोस्तों प्रत्येक को संधि विच्छेद करोगे तो होगा प्रति जोड़ एक। इसमें पहला पद दोस्तों प्रति है और हम जानते हैं कि जिस सामासिक पद में पहला पद प्रति होगा दोस्तों वह मेरा अव्यभाव समास होगा, इसलिए प्रत्येक जो है ये भी अव्यभाव समास होगा। दोस्तों भरपूर, ये बहुत पूछता है दोस्तों, एक बार पूछा हुआ है जिस समास में पहला पद दोस्तों भर भी हो, यदि पहला पद भर हो जाए तो दोस्तों वह समास मेरा, समास जो मेरा होगा वह अव्यभाव समास होगा। दोस्तों भरपेट, इसमें पहला पद जो है भर है इसलिए मेरा अव्यभाव समास होगा। इस प्रकार दोस्तों अव्यभाव समास को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास।